speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. आओ अंग्रेजी सीखें पाठ 36। दोस्तों आज हमारे अभ्यास का दिन है। पिछले पाठों में सीखे गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य आप फिर से सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। What is she doing? She is climbing a tree. What is he doing? He is singing. What are you doing? I am eating. What are they doing? They are fighting. दोस्तों अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में आप जहां भी हों मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समर जाएगी। आज मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं। दीनू, आशा, रंजना, संतोष, इन सब बच्चों की तस्वीरें मेरे पास हैं। दोस्तों ये तस्वीरें मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन हाँ इन तस्वीरों में क्या है मैं आपको हिंदी में जरूर बता सकती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि मैं आपसे अंग्रेजी में एक प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर आपको अंग्रेजी में ही देना है। इस पहली तस्वीर में आशा कुछ खा रही है, वो क्या कर रही है ये प्रश्न मैं अंग्रेजी में पूछूंगी। वॉट इज शी डूइंग? She is eating. Very good. हर बार घंटी के बाद टीचर जी किसी एक लड़के को खड़ा करेंगे। मैं एक तस्वीर के बारे में हिंदी में कुछ कहूंगी और प्रश्न अंग्रेजी में पूछूंगी। जो बच्चा खड़ा है वो इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर देगा। कोई दूसरा बच्चा खड़ा हुआ क्या? इस तस्वीर में संतोष सो रहा है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में देना। What is he doing? He is sleeping. Good. अब कौन खड़ा होगा? सुनो इस तस्वीर में रंजना गा रही है। अब तुम्हें अंग्रेजी में उत्तर देना है। व्हाट इज शी डूइंग? शी इज सिंगिंग। गुड। अब किसी दूसरे लड़के को खड़ा होना है। इस तस्वीर में आशा नाच रही है, तो इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दो। व्हाट इज शी डूइंग? शी इज डांसिंग। सही कहा ना तुमने? गुड।
अब दूसरे लड़के की बारी। मेरे हाथ में जो तस्वीर है उसमें आशा पेड़ पर चढ़ रही है। अंग्रेजी में बताओ कि वो क्या कर रही है। What is she doing? She is climbing a tree. सही। अब टीचर जी किसे खड़ा करेंगे? कोई तैयार है ना? ये जो तस्वीर है उसमें दीनू खेल रहा है। अब इस प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दो। What is he doing? He is playing. Good. अब दूसरा बच्चा सुनो। इस तस्वीर में दो कुत्ते झगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो दोनों? अंग्रेजी में उत्तर दो। What are they doing? They are fighting. शाबाश। टीचर जी बाकी बच्चों से भी ऐसे ही वाक्य बोलने का अभ्यास करवाएंगे। टीचर जी किसी चित्र का वर्णन हिंदी में करेंगे और उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे और तुम सबको उसका उत्तर अंग्रेजी में देना है। कुकिंग, जंपिंग, क्लैपिंग, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद टीचर जी 15 मिनट तक ऐसा ही अभ्यास करवाएंगे। श्रोताओं, पिछले पाठ में जू का गाना तुम्हें अच्छा लगा था ना? सीखना चाहोगे? पटना सिटी हैज अ जू, E-I-E-I-O, and in that zoo there are some tigers, E-I-E-I-O. With a tiger here and a tiger there. Here a tiger, there a tiger, everywhere a tiger, tiger. Patna city has a zoo. पहले भाग में आए शब्दों को सुनो और हाँ, ई आई ई आई ओ इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ये शब्द तो गाने में सिर्फ मजे के लिए हैं। पटना सिटी हैज अ जू, ई आई ई आई ओ, एंड इन दैट जू देयर आर सम टाइगर्स, ई आई ई आई ओ. With a tiger here and a tiger there, here a tiger, there a tiger, everywhere a tiger, tiger. Patna city has a zoo, E-I-E-I-O. अब तुम लोग भी दीनू और आशा के साथ गाओ। Patna city has a zoo, Patna city has a zoo. E-I-E-I-O, E-I-E-I-O, and in that zoo there are some tigers, and in that zoo there are some tigers, E-I-E-I-O, E-I-E-I-O. With a tiger here and a tiger there. With a tiger here and a tiger there. Here a tiger, there a tiger, everywhere a tiger, tiger. You're a tiger, there a tiger, everywhere a tiger, tiger. Patna city has a zoo. Patna city has a zoo. E-I-E-I-O, E-I-E-I-O. आशा और दीनू के साथ गाया तुम लोगों ने। अब गीत का दूसरा भाग सुनते हैं। बहुत से शब्द वैसे ही हैं, पर ये भाग शेर के बारे में है। पटना सिटी हैज अ ज़ू, E-I-E-I-O,
And in that zoo there are some lions, E-I-E-I-O. With a lion here and a lion there, here a lion, there a lion, everywhere a lion, lion. Patna City has a zoo, E-I-E-I-O. अच्छा, अब शेर के बारे में गीत का जो भाग है ना, उसे तुम लोग भी दीनू और आशा के साथ गाओ, और उसके बाद आगे के दो भाग भी तुम सब गाना, मगर उसमें लायन की जगह मंकी और जीब्रा शब्द लगाना। पटना सिटी हैज अ ज़ू, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some lions, E-I-E-I-O. With a lion here and a lion there, here a lion, there a lion, everywhere a lion, lion. Patna City has a zoo, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some monkeys, E-I-E-I-O. With a monkey here and a monkey there, here a monkey, there a monkey, everywhere a monkey, monkey. Patna City has a zoo, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some zebras, E-I-E-I-O. With a zebra here and a zebra there, here a zebra, there a zebra, everywhere a zebra, zebra. Patna City has a zoo, E-I-E-I-O. अब आखिरी भाग काफी मजेदार है, चारों जानवर इकट्ठे आते हैं, उसे तुम लोग भी दीनू और आशा के साथ गाओ, याद तो है ना, पहले टाइगर, फिर लायन, फिर मंकी, उसके बाद जीब्रा। पटना सिटी हैज अ ज़ू, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some animals, E-I-E-I-O. With a tiger here and a tiger there, here a tiger, there a tiger, everywhere a tiger, tiger. With a lion here and a lion there, here a lion, there a lion, everywhere a lion, lion. With a monkey here and a monkey there, here a monkey, there a monkey, everywhere a monkey, monkey. With a zebra here and a zebra there, here a zebra, there a zebra, everywhere a zebra, zebra. Patna City has a zoo, E-I-E-I-O. पाठशाला में और घर में ये गाना गाने का अभ्यास करते रहना। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ, तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा।